जय शनिदेव, हर हर महादेव, जय बजरंगबली, सभी देवी देवताओं की जय हो। भैया जी प्रणाम। भैया जी, मेरे साथ काफ़ी चेंजिंग हो रही है, ये चीज़ मुझे नहीं पता चल पा रहा कि जैसे कि मैं पहले जाप करता था मृत्युंजय मंत्र और गायत्री मंत्र और तांडव, ये तीन चीज़ तो हमेशा जाप करता था, हर हर महादेव महादेव का ओम नमः शिवाय ओम का जाप करता था। आपने जब बताया ये तो मुझे काफ़ी अच्छा लगा कि मैं सही चीज़ जाप कर रहा था अभी तक। और मैं दीपावली के बाद जी दीपदान करना स्टार्ट कर दिया था, उसके बाद हमेशा दीपदान करना स्टार्ट कर दिया था। दीपदान करना, हमेशा दान करता हूँ मैं दीपदान, ये नहीं कि मुझे 5 दान करना है, 10 दान करना, ऐसा नहीं। जो मेरे श्रद्धा होती है मन में कि आज हाँ इतने दान करना है, 5 दान करना है, 5 दीपदान करना है, 1 दान करना है, 1 दीपदान करना है, जो दिल से निकलता है मैं वैसे करता हूँ। 1 का निकल गया तो 1 दीपदान कर देता हूँ, 5 निकल गया तो 5 का दीपदान कर देता हूँ, हृदय से जो होता है। भैया जी, मुझे ये दीपदान से पहले प्रतिदिन मैं जब जाप करता था तब मुझे बहुत चीज़, जैसे मेरे किसी रिलेटिव में 2-3 जने को डेथ हुई, उनके डेथ होने से पहले 1 हफ्ता पहले मुझे सब कुछ पता चल जाता है। मेरे साथ कुछ बुरा होने वाला तब भी पता चल जाता है, या फिर कुछ ऐसे घटना होने जो नहीं होनी चाहिए वो भी पता चल जाता है। तो शनिदेव धाम से जब से जुड़ा हूँ काफ़ी चीज़ चेंजिंग आई हुई है। हाँ, कुछ चीज़ें जैसे कि मेरे दोनों कंधे पे और हृदय में, हृदय के थलके से नीचे एक राइट साइड चेस्ट में इस साइड, और मेरे गर्दन पे और जहाँ पे निकलता है कंठ और गले के बीच में जो कंठ होता है वहाँ पे ऐसा लगता है कुछ कुछ चीज़ें हैं। और जो कंठ में कभी कभी इतना जलने लगता है, किसी किसी दिन इतना ठंडा होता है कुछ हद तक नहीं होता उसका, ऐसा मैं महसूस कर चुका हूँ। ये चीज़ें कुछ अलग अलग सी, लेकिन अब इतनी हल्की हो गई हैं कि कुछ कहने की बात नहीं। अभी इस टाइम आपसे बात वीडियो बना रहा हूँ तो ऐसा लग रहा है मेरा शरीर जैसे हवा में हो, ऐसा महसूस हो रहा है, पूरा झंझनाहट। और कभी ऐसा होता है जैसे नीचे से जैसे करंट नहीं चलता, उस तरह करंट चल के मेरे राइट साइड लेफ्ट साइड पे जैसे करंट जैसे चलता है, धड़ जैसे किसी चीज को काट दो, जैसे शरीर को काट दो तो थर चलता है जैसे करंट जैसे, उस तरह में मेरे नीचे से लेफ्ट साइड में बहुत तेज चलता है। अभी इस चीज का पता चल पा नहीं रहा, लेकिन 7 चीजें जैसे दोनों कंधे पे कोई बैठा हुआ